डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर एट एंड एज यू कैन सी हेयर पिक्चर्स ऑफ सम मटीरियल आर हेयर एंड फर्स्ट वन इज सैंड chalk स्टोन शुगर सॉल्ट एंड इंक तो आपने कभी सोचा है बेटा अगर इन ऑब्जेक्ट इन चीजों को अगर मैं पानी में डालूंगी तो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगी तो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में आपको बता चुके हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस वही हैं जो पानी में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं और अब हमें पढ़ना है उन सब्सटेंसेस के बारे में जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये जानना है कि इन सोल्यूबल के बारे में हम जानेंगे तो वेन वी डिज़ोल्व यू कैन सी हीयर सैंड इन वाटर देन पेबल्स छोटे छोटे पत्थर अगर हम पानी में डालेंगे या हम मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल पानी में डालेंगे तो क्या ये चीज़ें पानी में डिजोल्व होंगी क्या ये पानी में घुल जाएंगी तो हमारा आंसर होगा नहीं सैंड कैन नॉट बी डिज़ोल्ड इन वाटर पेबल्स भी नहीं और मस्टर्ड ऑयल भी नहीं होगा तो इसके लिए आप अपने घर में ही इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं आपको दो ग्लास टम्बलर्स चाहिए दो ग्लासेस पानी चाहिए इंक एंड मस्टर्ड ऑयल आप लेंगे एक ड्रॉपर लेंगे और एक स्टरिंग रॉड उसको हिलाने के लिए सोल्यूशन को हिलाने के लिए आपको स्टरिंग रॉड चाहिए देन अब क्या है कि एक बेकर में आपने पानी में क्या डालना है इंक डालनी है और दूसरे बेकर में आपने पानी में मस्टर्ड ऑयल डालना है ऑनलाइन क्लास जब हमारी थी तो उस दौरान हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट्स आपको लाइव करके दिखाए थे बट आप खुद घर पे भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं एक में आपने इंक डाला और दूसरे ग्लास टम्बलर में आपने मस्टर्ड ऑयल डाला और फिर स्टरिंग रॉड से इनको खूब अच्छी तरह से हिलाया आपने एंड फिर आपका रिजल्ट क्या आता है कि इंक इंक डिसॉल्व्स इन वाटर इंक अच्छी तरह से पानी में घुल जाती है और हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है सरसों का जो तेल है वो मस्टर्ड ऑयल डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वो पानी में घुलता नहीं है तो अब क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि वाई डिट मस्टर्ड ऑयल डिजोल्व इन वाटर मस्टर्ड ऑयल जो है वो पानी में क्यों नहीं घुला है तो मस्टर्ड ऑयल को हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे बिकॉज मस्टर्ड ऑयल इसीलिए नहीं उसमें डिजोल्व uh, हुआ बिकॉज वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा इसी तरह से अब देखिए हमने लिक्विड चीजों का इंक और ऑयल जो थे वो आपके Uh, uh, जो थे लिक्विड चीज़ें थी अगर हम गैसेस की बात करें तो अगर आप जानते हैं हमारे जो एनवायरनमेंट में है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस वन परसेंट ही होती हैं तो आप अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कुछ लेवल तक जो है पानी में डिजोल्व हो जाती है ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होती है तभी तो एक्वेटिक जो है एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो जिंदा रह पाते हैं ठीक है तो हम आ, हमें यह मालूम चला कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है दे डिजोल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं घुलते हैं लेकिन कुछ अमाउंट इसका डिजोल्व हो जाता है लेकिन नाइट्रोजन गैस जो सबसे ज्यादा गैस जो है सबसे ज्यादा जो है क्वांटिटी में एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस वो पानी में इनसोल्यूबल है वो पानी के अंदर बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती है तो आपका अब है आइडेंटिफाई विथ सब्सटेंस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर तो अब आ, आपने देखा भी है लाइन ये जो आपका नींबू है लाइन जूस पानी में डिजोल्व होगा बिल्कुल होगा सॉल्ट और वाटर मतलब वाटर में अगर आप सॉल्ट डालोगे तो होगा और इंक में आ, आ, इंक डालोगे वाटर में वो भी डिजोल्व हो जाएगी लेकिन चौक का पाउडर अगर आप पानी में डालोगे तो वो कभी भी डिजोल्व नहीं होगा तो जो चौक पाउडर है दैट इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर नाउ वन मोर प्रॉपर्टी वी विल लर्न फ्लोटिंग एंड सिंकिंग सम ऑब्जेक्ट वी फाइंड दैट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड सम ऑब्जेक्ट्स वी फाइंड देम सिंकिंग इन वाटर सो अब पानी में हम कुछ चीज़ें डालते हैं ठीक है तो वो कुछ तो सोल्यूबल होती हैं और कुछ इन सोल्यूबल होती हैं सोल्यूबल वो जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती हैं और इनसॉल्यूबल जो बिल्कुल भी पानी में डिजोल्व नहीं होती हैं तो अगर हम यहाँ पर फोर चार चीजों की यहाँ पर मैंने पिक्चर दी है स्टोन है कॉइन है कॉर्क बहुत लाइट वेटेड होता है एंड प्लास्टिक बॉल है और सैंड है तो इन चीज़ों को अगर हम पानी में डालते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर कॉइन सैंड पेबल कॉक और बॉल ये पांचों की पाँच चीज़ें हमने पानी में डाली तो आप देख सकते हैं ये जो तीन चीज़ें हैं ये पानी में नीचे हैं और ये वाली दीज थ्री थिंग्स एंड दो चीज़ें जो हैं पानी में ऊपर तैर रही हैं तो जो पानी के अंदर नीचे जा चुकी हैं वो है दीस थिंग थिंग्स सिंक इन द वाटर एंड दीस टू थिंग्स दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर तो जो पानी के ऊपर है बॉल है और कॉक है तो ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं पानी में फ्लोट कर रही हैं और पेबल सैंड और कॉइन जो है पानी में डूब गया है सो अब आप, आप यहां देख रहे हो कॉर्क ऊपर है और कॉइन जो है अंदर आ, चला है ऑल दोनों ही चीज़ें इनसॉल्यूबल हैं दोनों चीज़ें पानी में घुलती नहीं है लेकिन फिर भी इनकी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि कॉइन का वेट ज़्यादा है इसलिए वो पानी में डूब गया है और कॉर्क का वेट पानी से कम है इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रहा है तो इसी वजह से जिन चीजों का वजन पानी से ज्यादा रहेगा वो आ, जो है वो डूब जाएंगी और इसी तरह से और जिसका लाइट रहेगा वो पानी के ऊपर तैरेंगी तो इसी तरह से अगर हम लिक्विड चीज़ों की बात करें एक जगह हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल और दूसरी जगह हमने लिया है डीजल तो मस्टर्ड ऑयल भी लिक्विड है और डीजल भी लिक्विड है लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और डीजल जो है वो पानी में डूब गया है तो मतलब आप देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल जो है पानी पे तैर रहा है और डीजल जो है इट सिंग्स और ये भी डीजल की जो लेयर बनेगी वो पानी के नीचे बनेगी तो क्लियरली शोज कि मस्टर्ड ऑयल जो है न, 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 आपका है दोनों ही इनसॉल्यूबल पानी में घुल कोई भी नहीं रहा है लेकिन एक पानी पे तैर रहा है और एक पानी के अंदर उसने एक अलग से अपनी लेयर बनाई है तो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग तो ये अब देखिए यहाँ पर कॉइन स्टोन प्लास्टिक बॉल और कॉर्पिक्स में पूछा कि कौन सा सिंक करेगा और कौन सा फ्लोट करेगा तो यू कैन वेरी इजीली राइट दैट थिंग तो आज हमने uh, इस में दो चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है एक है आपका इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो पानी में डिजोल्व नहीं होते कंप्लीटली और हमने पढ़ा वाटर की ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी फ्लोटिंग एंड सेंकिंग तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है पानी पे फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब जाते हैं तो ये आप अपना चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को एक बार थॉरोली रीड करेंगे